आज हमारे बच्चे का, हमारे हस्बैंड जी का डिमांड है कि कुछ हेल्दी चटपटा सा बनाओ जो कि मार्केट जैसा, मार्केट से भी अच्छा हो। वो भी क्या, हेल्दी मखाना भेल बनाने के लिए। ठीक है, तो हेल्दी मखाना भेल ये कौन बड़ी बात है, घर में ही बनाएंगे, लेकिन हम भी कम नहीं है। जब आप लोगों के लिए बनाएंगे तो हमारे ऑडियंस पीछे क्यों रहेंगे, हम अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए कैसे बनेंगे देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हेल्दी मखाना वेल बनाने के लिए हम 100 ग्राम मखाना लिए हैं, एकदम खिले खिले वाले, इनको तो ले ही लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें कुछ मटेरियल डालने के लिए यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। 2 टमाटर को हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज भी ले सकते हैं, तो अभी प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं, प्याज नहीं लेंगे। प्याज, खीरा, सब्जी ले सकते हैं। प्याज खा नहीं सकते हैं अभी सावन में, और खीरा हमारे पास है नहीं, तो जो है उसी से हम हेल्दी हेल्दी बनाएंगे। टमाटर है तो 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, छोटे कुछ बड़े हैं, तो इनको हम चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर चॉप करते करते आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कैसी लगती है हमारी वीडियो आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस दृष्टि से देख रहे हैं कमेंट करें। हाँ, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए टमाटर को यहाँ चॉप करते हैं। तो देखिए, बातें करते करते टमाटर को भी हम आधा टमाटर चॉप कर लिए हैं। तो यहाँ पे टमाटर आप अपने मर्जी से कट कर लीजिएगा, मतलब बारीक मोटा जैसा काटना हो काटना हो। अगर प्याज खाते हैं तो प्याज, खीरा ले लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब घर में हेल्दी बनाना तो बाहर से क्यों खाना, है ना। तो ये हम लोग पूरे परिवार मिलके एंजॉय करेंगे, आप भी बनाइए खाइए। लेकिन हाँ, ये वीडियो देख लीजिए, अगर वीडियो आपको एकदम पसंद आया तो बना करके खा करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ टमाटर को चॉप कर लेते हैं। तो चलिए मखाना को लेकर चलते हैं हम गैस के पास। तो यहाँ पे गैस ऑन करके ले लिए हैं पैन। पैन में हम लेंगे, मतलब टोटल तेल हम लेंगे 1 चम्मच। तो यहाँ पे बस थोड़ा ही सा तेल लेंगे हम, और तेल में बनाने का मतलब है हमारा कि घी में मीठा मीठा हो जाएंगे, हमें चटपटा सौंधी चाहिए, इसीलिए हम सरसों का तेल लिए। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो मीडियम आँच पे हम मखाना को रोस्ट करेंगे। पहले इनको हम रोस्ट कर ले अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से हमारा मखाना रोस्ट हो गया है, आपको दिखाते हैं, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, मखाना को हम इस बाउल में थे ना उसी में हम ले लेते हैं। अब इसी पैन में हम फिर थोड़ा सा तेल लेंगे, बस जरा सा, यानी कि टोटल हमको 1 चम्मच तेल लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके तेल लेंगे हम। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम लिए मूंगफली, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे मीडियम गैस पे। अब मूंगफली को रोस्ट करेंगे हल्के मीडियम गैस पे। मूंगफली रोस्ट हो रहे हैं, तब तक आप लोगों से कुछ बातें कर लो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस दृष्टि से देखते हैं वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा प्लीज प्लीज शेयर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो कर ले। चलिए मूंगफली को रोस्ट करते हैं। यहाँ पर बातें करते करते मूंगफली भी हमारा अच्छे से चटक गए, रोस्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बॉल में मखाना है ना उसी बॉल में हम मूंगफली को भी ले लेते हैं। तो फिर से हम थोड़ा सा तेल लेंगे, बस जरा सी, और टोटल हम 1 चम्मच तेल लिए हैं। अब तेल के साथ हम क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम एकदम छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर। ये 1 चम्मच है चाट मसाला। चाट मसाला लिए तो इसमें सारा मसाला होते हैं, इसीलिए लिए। थोड़ी सी लेंगे, 2 चुटकी के करीब कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पे इनको सबको चला लेते हैं। पहले गैस ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। चला लेते हैं सबको। थोड़ी सी हल्दी पाउडर। मसाला भूनने के बाद हम मूंगफली और मखाना इसी में हम ले लेंगे, सबको मिला लेते हैं, और इसी में लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब गैस ऑफ कर में ही सबको मिलाएंगे यहाँ पे अच्छे से पहले, और इसी में हम ले लेंगे जो चॉप करके टमाटर लिए थे ना उनको भी, टमाटर को भी ले लेंगे। इनको पकाना नहीं है, सबको मिला देना है। तो अब सबको हम अच्छे से मिलाते हैं। यहीं पे हम लेंगे थोड़ा मिक्सचर, और आप चाहे सेव भुजिया भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेव भुजिया भी ले रहे हैं अच्छे से। और थोड़ा हरा धनिया लेंगे हम यहाँ पे, एकदम झटपट वाला बनकर तैयार है। आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और ऐसे भी बालकोनी में बैठे बैठे आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आप इन्हें अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक बर्तन में हम सर्व करते हैं इनको फटाफट से। अब एक प्लेट में हम सर्व करते हैं इनको। हम लोग चारों लोग एक के साथ बैठ के खा लेंगे चम्मच के साथ। आप लोग अगर ट्रेन में हैं तो अलग अलग सर्व कर लीजिएगा। चलिए अब ऊपर से थोड़ा मिक्सचर ले लेते हैं।
और ऊपर से ये सेव भुजिया। वाह क्या लग रहे हैं, देख रहे हैं एकदम मजा ही आ गया। इस तरह से थोड़े ना मार्केट में मिलता है, एकदम हर चीज में कंजूसी लोग करते हैं, पता नहीं कब कैसा बना के रखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे हेल्दी हेल्दी मखाना बेल तैयार है। वाह क्या लग रहा है, एक चम्मच से दिखाऊं क्या? 1 मिनट तो देखिए, ये देखिए क्या बात है, एकदम बहुत ही टेस्टी। इनमें से खुशबू बहुत मजे का आ रहा है, थोड़ा सा खा के दिखाओ, बोलिए आप लोग दिखाते हैं। मस्त, एकदम मस्त वाला मस्त। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।